दीपा दुबे हाँ, मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हाँ 2019 तो, और अज मैं अपनी पोस्ट के उपरों इस्तीफा दे रही हाँ, सिर्फ आहत होके, क्योंकि लक्की जी ने जिहड़े काम हुण तक किए जद्दी उन्होंने प्रधानगी संभाली है, असी रोज़ उन्होंने ये गल्लां नूं अहसास दिलाते सीगे कि कांग्रेस भवन से चीज़ ठीक नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को दुरपरे किया। ईवन कि जे असी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उहदे विच वी उह इस तरीके रिएक्ट करते हैं कि असी उह प्रेजेंट होंदे हैं, लेकिन उस तो बाद साडे लोकां दे उपर ही परचे दर्ज होंदे हैं। क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में करीब 100 कांग्रेस नेताओं ने चंडीगढ़ पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है? हम इस खबर के रोमांचक और चौंकाने वाले पहलुओं का पता लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस प्रमुख दीपा दुबे समेत लगभग 100 कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को चंडीगढ़ पार्टी प्रमुख हरमिंदर सिंह लक्की को हटाने की मांग को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दीपा दुबे ने कहा कि लक्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बंसल के स्थान पर कांग्रेस ने जब मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया तो लकी ने एक गुप्त पोस्ट डालते हुए कहा, पवन बंसल के साथ हो गया खेल, मनीष तिवारी चंडीगढ़ से उम्मीदवार। गौरतलब है कि जिन कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है उनमें से अधिकांश पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के समर्थक है। दुबे ने कहा, हम मनीष तिवारी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष लकी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया और हर पार्टी कार्यकर्ता को नजरअंदाज किया, यहाँ महिला स्वयं सेवकों का कोई सम्मान नहीं है। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि पार्टी कार्यालय में महिलाओं के कपड़े क्यों थे, उन्हें पार्टी से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में महिला विरोधी माहौल है, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं और विरोधियों पर भद्दी टिप्पणियां करना बहुत आम हो गया है। हालांकि हरमिंदर सिंह लक्की ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। दुबे का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को झूठे मुद्दे उठाने के बजाय पार्टी के लिए काम करना चाहिए जिससे केवल भाजपा को फायदा हो। सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पूछे जाने पर चंडीगढ़ कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि उनके अकाउंट को कोई और हैंडल कर रहा था और उनकी पोस्ट को गलत तरीके से उद्धृत किया गया था। पवन बंसल के स्थान पर मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से नामांकित करने से कांग्रेस में अंदरूनी कलह हो गई है। बंसल 2019 का लोकसभा चुनाव चंडीगढ़ से भाजपा की किरण खैर से 46,970 वोटों के अंतर से हार गए थे। इस बार चंडीगढ़ में मुकाबला दो तरफा होगा क्योंकि कांग्रेस भारत गुट के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ रही है। चंडीगढ़ से पिछले दो लोकसभा चुनाव जीतने वाली भाजपा को इस क्षेत्र से हैट्रिक की उम्मीद है। ऐसे में चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे का पार्टी और आगामी लोकसभा चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस इस्तीफे से पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर आंतरिक कलह का संकेत देते हैं। ये आंतरिक कलह चुनाव प्रचार को बाधित कर सकती है और पार्टी की एकजुटता को कमजोर कर सकती है। वहीं पद से इस्तीफा देने वाले नेताओं की संख्या पार्टी के भीतर चंडीगढ़ कांग्रेस प्रमुख हरमिंदर सिंह लक्की की स्थिति पर सवाल उठाती है। लकी के नेतृत्व क्षमता और पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता पर सवाल उठेंगे और चुनावी नतीजों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। ये देखा जाना बाकी है कि कांग्रेस अपने आंतरिक मतभेदों को हल करने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का प्रबंधन कैसे करती है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।